नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मिताली बहल, एनोडोंटिस्ट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। आज मैं आपके साथ एक बड़ी कॉमन डेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूं, बैड ब्रेथ, यानी मुंह से या सांसों से जो स्मेल आती है उसको रोकने के लिए हम घर में क्या कर सकते हैं। बैड ब्रेथ के लिए 10 होम रेमेडीज बताऊंगी। बैड ब्रेथ को साइंटिफिक टर्म में हम हैलिटोसिस भी कहते हैं। हर दिन क्लिनिक में कोई ना कोई पेशेंट आकर जरूर पूछता है कि मैडम मुंह से आने वाली स्मेल के लिए कोई सॉल्यूशन, कोई ट्रीटमेंट बताइए। जब हम दूसरों से बात करते हैं ऑफिस में या घर में और दूसरे लोगों के एक्सप्रेशन से हमें लगता है कि शायद वो थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, या हमारे हस्बैंड, वाइफ, कोई क्लोज फ्रेंड हमसे बैड स्मेल आने की बार बार कंप्लेन करता है, कुछ लोग तो हमारी स्मेल के बारे में हमारे पीठ पीछे भी बात करते हैं, जिससे हम अपने डेली लेवल पे कॉन्फिडेंस लेवल लूज करने लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 कारण बताऊंगी बैड ब्रेथ के और उसे रोकने के लिए 10 घरेलू नुस्खे। बैड ब्रेथ से शर्माने की या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो से जानकारी लें और बेझिझक अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, दोस्तों से इसे शेयर करें और मुंह की स्मेल से छुटकारा पाने में उनकी भी मदद करें। तो सबसे पहली चीज कि ये मुंह की स्मेल आती क्यों है, इसका एक सिंपल सा आंसर है, मुंह में बैक्टीरिया होने के कारण। हम अपने मुंह की सफाई नहीं रखते हैं। खाना खाने के बाद खाना दो दांतों के बीच में फंसा रह जाता है और बैक्टीरिया उस खाने को ब्रेक डाउन करता है शुगर में और स्टार्च में। इस पूरे प्रोसेस के बीच बैक्टीरिया कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता है जो कि स्मेल कॉज करता है। सफाई ना रखने के कारण हमारे मुंह का बैक्टीरिया बढ़ता है और एक येलो कलर की परख, जिसे हम प्लाक कहते हैं, वो बिल्डअप होने लग जाता है। इसी प्लाक की वजह से हमारे दांत और हड्डी दोनों कमजोर होते हैं और हमारे मुंह से काफी स्मेल आती है। इसीलिए हर दिन 2 बार जरूर ब्रश करें, 1 बार फ्लॉस करें और माउथ वॉश जरूर करें, और सुबह अपनी जीभ साफ करना ना भूलें। खाना खाने के बाद एटलीस्ट पानी से या माउथ वॉश से कुल्ला जरूर करें। दूसरा कारण, प्याज, लहसुन, मूली, फिश, चीज, पीनट बटर, ये कुछ ऐसा टाइप का खाना है जिनकी अपनी खुद की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और इसको खाने के बाद हमारे मुंह से काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तीसरा, सुबह उठते ही आप फील करते होंगे कि हमारे मुंह से काफी स्मेल आती है। अब इसका क्या रीजन है? देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि सुबह उठते ही जो मुंह से स्मेल आती है वो एकदम नॉर्मल बात है। ये इसलिए होता है क्योंकि सोते वक्त हमारे मुंह में सलाइवा यानी थूक का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सलाइवा ही बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करता है। अब जब सलाइवा कम होगा तो बैक्टीरिया मुंह में बढ़ने लगता है जो कि स्मेल कॉज करता है। एक बार फिर सुनिए, रात को बैक्टीरिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए खुद भी रात को ब्रश करके सोएं और अपने बच्चों में शुरू से ही रात को ब्रश करने की आदत डालें। चौथा कारण है ड्राई माउथ, यानी मुंह सूखने के कारण आपने देखा होगा मुंह से एक अलग सी स्मेल आती है। अब दिन भर लोग आपस में बात करते हैं, काम करते रहते हैं, पानी कम पीते हैं और ऑफिस में दिन भर चाय, कॉफी, स्मोकिंग या रात में अल्कोहल की वजह से मुंह में काफी ड्राइनेस बढ़ जाती है और इसी की वजह से बैक्टीरिया ग्रो करता है। इसीलिए रेगुलरली 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं, चाय, कॉफी थोड़ा कम करें, सिगरेट, तंबाकू खाना बंद करें। एक और कंडीशन होती है जिसमें लोगों को ड्राई माउथ की थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिनके मुंह का सलाइवा बनना थोड़ा कम हो जाता है। इस मेडिकल कंडीशन को हम जीरोस्टोमिया कहते हैं। ये कंडीशन माउथ ब्रीदर्स यानी मुंह से सांस लेने वालों में देखी गई है, या फिर बूढ़े लोगों में सलाइवरी ग्लैंड की प्रॉब्लम में, कुछ कैंसर पेशेंट्स में, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां खाने की वजह से, जैसे एंजाइटी की दवाई, डिप्रेशन की दवाई, एंटा एसिड, बीपी की दवाई, इन सब दवाइयों के पीछे ड्राई माउथ एज साइड इफेक्ट लिखा हुआ होता है।
अगर इन सब चीजों की वजह से आपको लगता है कि आपका मुंह थोड़ा सूख रहा है तो अपने डेंटिस्ट या फिजिशियन से इसके बारे में जरूर बात करें। पांचवा कारण है, मुंह की स्मेल इन सब कारणों की वजह से नहीं बल्कि शरीर में किसी प्रॉब्लम की वजह से आ रही है, जैसे पेट की कोई प्रॉब्लम, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, एस्थमा या लिवर डिजीज। अगर आप अपने मुंह की पूरी सफाई रख रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एक कॉन्स्टेंट स्मेल आ रही है मुंह से, अपने फिजिशियन से इसके बारे में जरूर बात करें। चलिए अब मैं आपको 10 होम रेमेडीज बताऊंगी जो आपकी बैड ब्रेथ को रोकने में आपकी मदद करेगा। ये सब नेचुरल चीजें हैं जो आपके किचन में आपको इजीली मिलेंगी। सबसे पहली, दही। हर दिन दही खाइए। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे मुंह के हेल्दी बैक्टीरिया की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और बैड ब्रेथ को कंट्रोल में रखते हैं। नंबर 2, पाइनएप्पल जूस। एक ग्लास पाइनएप्पल जूस का पी सकते हैं खाना खाने के बाद, या फिर एक स्लाइस पाइनएप्पल की भी खा सकते हैं। नंबर 3, हम सबकी फेवरेट सौफ या इलायची। डिनर के बाद सौफ खाइए, इलायची खाइए, यह नेचुरली हमारी ब्रेथ को फ्रेश करता है। नंबर 4, ऑरेंजेस। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा फल खाएं जिसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारे मुंह के सलाइवा के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और बैड ब्रेथ को कंट्रोल करता है। नंबर 5, दूध। अब रिसर्च और स्टडीज कहती हैं गार्लिक या लहसुन खाने के कुछ देर बाद आप आधा कप दूध ले सकते हैं। दूध गार्लिक की स्मेल को न्यूट्रलाइज करता है। नंबर 6, पानी। कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। नंबर 7, ग्रीन टी। ऑफिस में नॉर्मल चाय कॉफी की बजाय ग्रीन टी की आदत डालें। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए भी अच्छे हैं और हमारे मुंह को भी फ्रेश रखते हैं। नंबर 8, बेकिंग सोडा। 2 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा को 1 कप गर्म पानी में डालें और माउथ वॉश की तरह मुंह में 30 सेकेंड के लिए उसको स्विश करके उसके कुल्ले करें। नंबर 9, विनेगर। 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के 1 कप पानी में डालें और 30 सेकेंड के लिए मुंह में उसको स्विश करके गार्गल या उसके कुल्ले करें। नंबर 10, पार्सले, या फिर अगर आपके घर में धनिया है, खाना खाने के बाद आप पार्सले के पत्ते भी चबा सकते हैं, ये भी आपकी ब्रेथ को फ्रेश रखेगा। चलिए ये तो हुए घरेलू नुस्खे। इन सब चीजों के साथ मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूं कि अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने में जरूर विजिट करें, अपने दांतों की सफाई कराएं और अपना ओरल हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखें। अगर आपके कोई सवाल है बैड ब्रेथ को लेकर या कोई और डेंटल प्रॉब्लम को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो इन होम रेमेडीज को अप्लाई करिए और साथ साथ अपने दोस्तों को, फैमिली में, रिलेटिव्स में, सबके साथ शेयर करके उनकी भी मदद करें। धन्यवाद।